गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है परिमेय संख्याएं। पिछली क्लास में हमने परिमेय संख्याओं का घटाना सीखा था कि एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को किस तरह से घटा सकते हैं। आज की इस क्लास में हम परिमेय संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे कि एक परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या की जब गुणा की जाती है तो वो किस नियम के तहत की जाती है, कैसे कैसे गुणा की जाती है। आज हम अभ्यास 1D लेंगे, उसमें दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न में चार चार पार्ट है, उनको हम हल करेंगे। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में ही आपको परिमेय संख्या का गुणा करना अच्छी तरीके से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा परिमेय संख्या का गुणा करना। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के चार पार्ट है। पहला पार्ट है -k 9/8 गुणा -k 32/-3, ये आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट यहां पे लिख देता हूं मैं, दूसरा पार्ट है -32 गुणा -7/36। तीसरा पार्ट मैं यहां पर लिख देता हूं, तीसरा पार्ट है हमारा -36/5 गुणा 20/-3। और चौथा पार्ट है हमारा 13/15 गुणा -25/26। सभी सवाल को करने से पहले हमें कोई थोड़ी सी दो तीन बात हमें समझने की है। जब एक माइनस की एक माइनस से गुणा होगी तो उत्तर आपका जमा का आएगा, ये चीज याद रखना है। दूसरा, जब एक माइनस की दूसरे माइनस से भाग होगी तो उत्तर आपका जमा का आएगा। और अगर एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, तो माइनस आएगा। यानी कि एक तो ये बात रखनी है, और अगर एक माइनस की एक जमा से गुणा होगी तो आपका माइनस का आएगा। इसी तरह से एक माइनस को एक जमा से भाग किया जाए या जमा को माइनस से भाग किया जाए तो उत्तर आपका माइनस का आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चार चीज आपको गुणा में याद रखनी है। जब माइनस की माइनस से गुणा होगी तो जमा आ जाएगा, या माइनस से माइनस को भाग करेंगे तो भी जमा आएगा, और एक प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, चाहे वो भाग में हो चाहे वो गुणा में हो। पहला सवाल है आपका -9/8 गुणा -32/3। अब ये देखिए, जो ऊपर का अंश है, अंश में माइनस नो है, अंश में ही माइनस बत्तीस है, यानी कि -9 गुणा -32 इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। नीचे क्या है, 8 गुणा -3। ठीक, अब माइनस की माइनस में गुणा होगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई संख्या कट रही है, किसी के पहाड़े में दोनों आ रही हैं ऊपर नीचे, तो उन्हें हम काट सकते हैं। जैसे 8 के पहाड़े में हमारा ये भी आ रहा है और 8 के पहाड़े में आपका ये भी आ रहा है 32, यानी ऊपर से नीचे काट सकते हैं, बराबर से बराबर नहीं काट सकते, ऊपर से नीचे काट सकते हैं। तो ये देखिए, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, ये आपका कट गया। दूसरा, 3 एकम 3 और 3 3 9, ये 3 से कट गया, तो हमारा उत्तर जो आ गया, हमारा आ गया -3 गुणा -4/1 गुणा -1। जो संख्या आपकी बचेगी माइनस, वो आपको लिखेंगे। अब देखो, माइनस की माइनस से गुणा होगी तो क्या आएगा आपका, जमा का 3 चौक 12। माइनस की माइनस से गुणा हुई तो आपका आ गया 12। उसके बाद जमा की नफी से गुणा हुई तो नफी का 1, यानी आप इसे लिख सकते हैं, 1 को हम लिखते नहीं, तो जो 1 ऊपर चला जाएगा क्या आ जाएगा, -12। उत्तर आ जाएगा आपका -12। दोबारा देखिए, 8 से ये भी कट जाएगा, 8 एकम 8 8 चौक 32, 4 यहां लिख देंगे, 1 यहां लिख देंगे। इसी तरह 3 एकम 3 3 किया लो, ये 3 से कट गए, तो ये आ गया -3 गुणा माइनस
चार एक गुणा, अब माइनस की माइनस से गुणा हुई, जमा का 12 हो गया, और इस जमा की माइनस से हुई तो माइनस का एक आ गया। ये माइनस अगर है तो इसे आप ऊपर ले जाएंगे, कैसे ले जाते हैं, माइनस एक की ऊपर नीचे गुणा करते हैं, जमा 12 की माइनस एक में गुणा माइनस 12 हो गया, और माइनस एक की माइनस एक में जमा का एक हो गया, उसे हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये आपका पहला सवाल हुआ। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है माइनस 32 गुणा माइनस 7, 32 की और माइनस 7 की गुणा करेंगे और नीचे है हमारा 36। अब देखिए 32 और 36 किसके पहाड़े में आ रहे हैं, यानी किससे हमारे कट रहे हैं, 832 चार के 32, 4 × 36, 4 के पहाड़े में 32 भी आ रहा है, 4 के पहाड़े में 36 भी आ रहा है, 4 × 32 4 × 36, यानी 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 से हम काट देंगे, 4 × 36 और 4 × 32। अब आपका आ गया माइनस का 8 गुना माइनस का 7 बटे 9, नीचे 9 है, कुछ और नहीं है, माइनस माइनस की गुणा होगी तो जमा हो जाएगा, जमा हो गया, और 8 और 7 की गुणा होगी, 8 × 7 = 56, जमा के 56/9 ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब हम थर्ड करेंगे, थर्ड है हमारा −36 × 20, −36 की 20 में गुणा होगी और 5 की −3 में गुणा होगी। अगर ऊपर नीचे कोई कट रहा है तो उसे काट देंगे यहीं पर, जैसे 5 के पहाड़े में ये भी आ रहा है, 5 के पहाड़े में ये भी आ रहा है, 5 × 5 और 5 × 20, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखेंगे ताकि ऊपर वाली संख्या में अटके ना। इसी तरह 3 के पहाड़े में ये भी आ रहा है, 3 के पहाड़े में ये भी आ रहा है, 3 × 3 और ये 12 बार कट जाए, 12 × 36, तो हमारा आ गया माइनस के 12 × 4 बटे 1 गुना, इधर माइनस है, जो माइनस है उसे जरूर लिखेंगे, −1। अगली लाइन, यहां पर स्पेस कम है इसलिए मैं अगली लाइन में लिख रहा हूं, 12 × माइनस का आएगा क्योंकि 1 माइनस का है, 12 × 48 बटे माइनस का 1। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, या तो ऐसे कर लीजिए या −1 की ऊपर नीचे गुणा कर लो, −1 की ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, उत्तर आपका 48 आ जाएगा। इनको अगली लाइन में लिखना है, बराबर के आगे जो भी है वो अगली लाइन में लिखा जाएगा, तो उत्तर इसका आपका 48 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है आपका 13 की −25 से गुना होगी और 15 की 26 से गुना होगी। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, जैसे 13 के पहाड़े में 13 भी आता है और 26 भी आता है, 13 × 13 एक बार कट गया, 13 × 26। इसी तरह 5 के पहाड़े में 15 भी आता है 25 भी आता है, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 यहां पर लिख दें, 5 × 5 = 25। अब देखते हैं क्या क्या बचे हमारे, एक तो 1 बचा, 1 गुना इधर माइनस का 5 बचा बटे 3 × 2, 5 की 1 में गुणा करेंगे −5 और 3 की गुणा में करेंगे तो 6, −5/6। ये आपके पहले प्रश्न के चारों ऑप्शन हो गए आपके। अब हम दूसरा सवाल करेंगे, दूसरा सवाल है हमारा सवाल है, गुणा करनी है आपको दूसरे का फर्स्ट, यह है गुणा कीजिए 7/6 को, 7/6 को −24 से, यानी 7/6 को −24 से आपको गुणा करनी है। कैसे करेंगे, 7/6 गुणा −24 उसके नीचे अपॉन 1 लिख देंगे, ठीक। अब 6 से 24 कट जाएगा, 6 के पहाड़े में 6 भी आता है 24 भी आता है, 6 × 6 = 24, यानी ऊपर आ गया आपका 7 गुना −4 और नीचे आ गया 1 गुना 1,
क्या जाएगा आपका 7/4, एक माइनस का है तो एक लिखा जाएगा, माइनस का अगर एक होगा तो लिखा जाएगा, दो होंगे तो आपस में कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। 7/28 माइनस के 28 बटे एक, यानी कि इसे लिख देंगे माइनस के 28। ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा है आपका माइनस के 9/8 को किससे गुणा करनी है, माइनस के 16/-3 से, इनके बीच में गुणा का निशान लगा देंगे, माइनस 9/8 गुणा माइनस 16/-3। अब देखिए माइनस 9 की माइनस 16 से गुणा होगी, माइनस 9 गुणा माइनस 16 और 8 की माइनस 3 से गुणा होगी। अब जो कट रहा है उसे काट सकते हैं, जैसे 3 एकम 3 और 3 दिया 9। आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखेंगे इनके बीच में ताकि ये आपस में एक दूसरे में ना घुसे, 3 दिया 9 और ये 8 एकम 8 और 8 दुनी 16, तो ये आ गया आपका ऊपर आ गया -3 × -2/1 × -1। अगली लाइन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दुनी 6 और 1 और -1 -1, उत्तर आ जाएगा आपका -6। इस तरह से ये आपका दूसरा सवाल हुआ। तीसरा सवाल है हमारा 16/-21 को -14/5 से आपको गुणा करनी है, तो कैसे करेंगे, 16/-21 × -14/5। अब जो कटता है उसे काट देंगे, जो नहीं कटता उसे नहीं काटेंगे। अब 16 की किससे गुणा करनी है, हमें 16 की करनी है -14 से और -21 की करनी है 5 से। क्या होगा, 7 के पहाड़े में 21 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, 7 से काट देंगे, 7 दिया 21 और 7 दुनी 14, तो ऊपर क्या हुआ, ऊपर हुआ 16 × -2/-3 × 5। अब देखिए 16 दुनी 32 हो जाएगा और 3 बजे 15 - 15 हो जाएगा। अब दोनों ही माइनस के हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या आप ये कह सकते हैं -1 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 32/15। ये आपका सवाल नंबर 3 हो गया। इस तरह से आप सवाल करेंगे, ऐसे हिचट मुचट नहीं करेंगे, ऐसे लाइन में बराबर के निशान लगा करेंगे। ये मैंने स्पेस थोड़ी की वजह से कर दिया है, आप इसको नीचे लाइन में लेंगे सब चीज को, और थोड़ा जगह छोड़ के बीच में, दो लाइनों के बीच में जगह छोड़ के करेंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट है आपका -13/5 को -11/39 से इनकी गुणा करेंगे, -13/5 × -11/39। अब 13 के पहाड़े में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, कट जाएगा 13 एकम 13 13 39, ऊपर तो आ गया -1 × -11 और नीचे आ गया 5 × 3, यानी कि आपका आ गया माइनस माइनस गुणा के जमा हो जाएगा 11/15, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम उत्तर माला में सारे उत्तर मिला सकते हैं, पीछे हमारी बुक के उत्तरमाला दी हुई है, इनको आप उत्तरमाला से मिला लीजिए, अगर किसी में कोई गड़बड़ होती है तो उसे सही कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो जाती है। 1d -28 -6 है, 32/15 और 11/15, इसी तरह से पहले भी होंगे, वे भी आपके सही होंगे। इस अभ्यास को आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। नेक्स्ट में हम आपको परिमेय संख्याओं का भाग करना सिखाएंगे। धन्यवाद।